अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी तक हम स्केलर प्रोडक्ट कवर कर चुके हैं या डॉट प्रोडक्ट कवर कर चुके हैं। अब हमें कवर करना है, अब एक एग्जांपल करनी है स्केलर प्रोडक्ट की ही बेसिकली। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3, 2, -1, बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -1, 4। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि ये आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और उस पॉइंट तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स का ये मतलब है कि एक वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है उस पॉइंट तक जा रहा है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होगा कि एक ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से ए तक जा रहा है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स का ये मतलब होगा कोई ऐसा वेक्टर जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ एक फोर्स हमने लगाई, उस फोर्स के कोऑर्डिनेट्स आपको ये रहे गिवन है। कोऑर्डिनेट्स नहीं, उसके कंपोनेंट्स 4i-3j+2k, ये फोर्स है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो मतलब उसने ए से बी तक कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, राइट। ए से बी तक डिस्टेंस कवर करने के बाद आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन कितना हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वेक्टर तो आपके पास है, मौजूद है, 4, -3 और 2, ठीक है, 4i-3j+2k का यही मतलब है। डॉट भी डाल लिया। अच्छा, ये एक्स कहाँ से आएगा? ये डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस बाय द वे वही होता है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कवर किया जाता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो होगा वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, वो वाला वेक्टर। अच्छा, अब ये डिस्टेंस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। तो अगर आप देखें के पास एक वेक्टर ये वाला गिवन है पॉइंट बी तक का, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2i-j+4k की फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। एंड दूसरा वेक्टर जो हमारे पास है वो वेक्टर ए है, ओके, यू जा रहा है ऊपर की तरफ, ये होगा 3i+2j-k। अच्छा, एंड एक और वेक्टर हमारा ये वाला हमें कैलकुलेट कर रहा है, इसको मैं एक्स कह देता हूँ। अच्छा, बाय द वे अगर आप देखें तो ये पहला वेक्टर जो है, जो वेक्टर ए है और वेक्टर एक्स है, ये दोनों हेड टू टेल रूल से ज्वाइन हुए हुए हैं, राइट। इनको हेड टू टेल रूल से हमने ज्वाइन कर दिया। आफ्टर जॉइनिंग देम यूजिंग हेड टू टेल रूल, देयर सम वुड एक्चुअली इक्वल दिस रिजल्टेंट, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वेक्टर बी है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 2, -1 और 4 जो है, ये वाला वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, राइट, ये इक्वल है वेक्टर ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 3, 2 और -1 है, 3, 2, -1 और वेक्टर एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स का वेक्टर निकालना है बेसिकली। तो कैसे निकालूंगा मैं? एक्स को सब्जेक्ट बना दूंगा, राइट। इसको जब मैं उस साइड पे भेजूंगा तो यहाँ पर एक प्लस साइन लगा हुआ है, जब वहां जाएगा तो ये माइनस साइन लग जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर। तो ये बन जाएगा 2-1, 4, -3, 2-1 = x। अब इन दोनों को स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें, ठीक है। ये बन जाएगा 2-3, -1-2, 4+1। अच्छा, 4+1 होगा, ठीक है, कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एक्स के। इसका रिजल्ट जो आएगा वो होगा -1, -3 और 5। अब ये जो रिजल्ट आ गया मेरा, इसको मैं आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, -i-3j+5k, ठीक है। ये आपका वो वेक्टर आ गया जिस डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उस डायरेक्शन का वेक्टर आ गया आपके पास, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का आपका वेक्टर आ गया ये वाला। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बेसिकली इस वाले वेक्टर से उस वाले वेक्टर को माइनस किया है। अच्छा, ये मेथड अगर अजीब सा लग रहा हो तो आप डायरेक्ट आई जे के की फॉर्म में भी रख सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, मैं आई जे के की फॉर्म में ऑब्वियसली बातें करूंगा नहीं दोबारा, लेकिन आपको बता दूंगा कि ये इसमें करना क्या है। अच्छा, सो बेसिकली आई जे के की फॉर्म में करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये वाला वैक्टर निकालना है ना।
तो आप अगर रिजल्टेंट में से ए को माइनस कर दें तो आपके पास ए बी आ जाएगा। रिजल्टेंट आपका है 2i-j + 4k, ये आपका रिजल्टेंट है। इसमें से माइनस कर दें आप ए को, ए की वैल्यू क्या है 3i + 2j - k, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें सिंपल अल्जेब्रा से, 2i-3 कितना हो गया माइनस आई, माइनस जे माइनस 2j, माइनस 3j हो गया, प्लस 4k प्लस k हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5k हो गया। वही बात हो गई, माइनस आई माइनस 3j प्लस 5k ही आ गया, माइनस आई माइनस 3j प्लस 5k ही आ गया, ठीक है। अब ये आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ रिजल्टेंट से a को माइनस किया तो आपके पास ए बी का वेक्टर आ गया। अब ये वेक्टर आने के बाद बता सिंपल डॉट प्रोडक्ट लगा लें एंड गेट योर आंसर फॉर वर्क डन। अच्छा तो इसमें क्या करेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 4-3 और 2, और वर्क और डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली, -1, -3 and 5, जस्ट सॉल्व देम एंड यू विल गेट योर आंसर। इट्स -4, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को करें, इन दोनों को करें, सो 4 times -1 + -3 times -3 + 2 times 5 - 4 + 9 + 10, तो 10 + 9 + 19 - 4 = 15, 15 आपका आंसर आ गया, एंड 15 बेसिकली ये 15 जूल्स है। दिस इज द वर्क व्हिच इज डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। एंड आखिरी चीज डॉट प्रोडक्ट की आपको बस ये याद रखनी है कि ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ एंड इट ऑल्सो फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ नहीं है, बेसिकली अगर आप एक वैक्टर को दो अलग वैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई प्लस जे से अगर आप आई को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप यू भी लिख सकते हैं, आप ये ब्रैकेट को ओपन कर दें और इसको लिख सकते हैं i.i + i.j, ठीक है। इन दोनों का आंसर सेम आएगा आपके पास। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया, इनका अलग डॉट प्रोडक्ट निकालें, फिर इनका अलग डॉट प्रोडक्ट निकालें, सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अच्छा वैसे आप वही मेथड भी अप्लाई कर लें जो मैंने पहले आपको बताया है कि आप बस डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई का मतलब क्या होगा 100, आई प्लस जे का क्या मतलब होगा, आई प्लस जे का मतलब होगा कि आपने वैक्टर आई और वैक्टर जे को ऐड कर दिया। वैक्टर आई की वैल्यू क्या होती है, अच्छा मैं यहाँ पर इनको अलग से पहले आई प्लस जे की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वेक्टर आई की वैल्यू वही होती है 100, वेक्टर जे की वैल्यू क्या होती है 010, आंसर क्या आ गया 110, राइट। या फिर आप डायरेक्ट आई प्लस जे का मतलब यही है ना कि 110 क्योंकि के नहीं है यहाँ पर, अब इनका डॉट प्रोडक्ट फौरन से निकाल लें, सो 1 आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इनका आंसर आपके पास 1 आ गया, इससे भी आपके पास आंसर 1 ही आएगा क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये वाला लॉ जो है इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों लॉ अप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट्स पर। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा सो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। And just like scalar product, the meaning is quite similar but yet different. In a vector product, when two vectors are multiplied, vector A gets multiplied with vector B, and it gives you a product which is a vector quantity, then in that case, this product or this multiplication is known as a vector product. Take care. Because its multiplication, its product results in a vector quantity. A very common example is torque, जिसको आप moment भी कहते हैं, ठीक है torque. अच्छा, so what is torque? Torque की definition ही है ये कि torque by definition is the vector product
of force and displacement. So now, basically, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, आपके पास टॉर्क आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से होता क्या है? अच्छा जी, सो बेसिकली ये दो वेक्टर क्वांटिटीज जो है ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर ही हमारे पास दो वैक्टर्स हैं, फॉर इंस्टेंस ये वाला वैक्टर एफ है और लेट्स से ये वाला वैक्टर एक्स है। अगर इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा ना, मेरे पास एक तीसरा वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा और आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन होगा, ठीक है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये वाला वेक्टर जो मेरे पास आया है ये इनके क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन होगी इन दोनों के 90 degrees या इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन निकलेगा ये वाला वेक्टर। और दिस इज अ वेक्टर ड्यू टू द क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से जो वेक्टर हमारे पास आया है इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देख लेते हैं कि कैसे है ये। तो बेसिकली अगर आपके पास एक रूलर ले लें, ठीक है, उसको एक साइड से फिक्स कर लें एंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप उस रूलर पर एक फोर्स लगाएं बिल्कुल परपेंडिकुलरली, देखिए आपकी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है जो कि फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तब आप अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास एक टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये यहाँ से ये ओरिजिन के रेफरेंस से ये एक वैक्टर है एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों वैक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब तीसरा वेक्टर जो हमारे पास आएगा टॉर्क, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, ठीक है, बेसिकली या तो आपकी तरफ फेस कर रही होगी या तो इनटू द प्लेन होगी। अच्छा, सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड यू गेट योर वैल्यू ऑफ टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये तो ईजी वाला काम था, जब आपके पास फोर्स की वैल्यू गिवन हो 10 newton, इसकी वैल्यू गिवन हो 2 meters एंड दोनों परपेंडिकुलर हो, आप बस डायरेक्ट वैल्यू डाल दें, आपको टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 10 times 2 20 newton meter, ठीक है, ये मीटर्स है, 20 newton meters, ये आपकी टॉर्क की वैल्यू आ गई। ये मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब दोनों वैक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, टॉर्क जो मिलेगा आपको वो भी इन दोनों वैक्टर्स के परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है, बेसिकली या तो प्लेन के आउट होगा या तो प्लेन के इन टू होगा। अब इसके बाद ये तो था जब आपके पास ये नंबर्स गिवन हो, अब अगर इन्हीं को आपने वेक्टर की फॉर्म में दे दिया आपको एग्जामिनर ने, फॉर एग्जांपल ये वाला एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 2i + j + k, और इन दोनों का आपसे पूछा जाए कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, बाय द वे इससे भी पहले मैं एक चीज यहाँ और ऐड करना चाहूंगा कि ये तो था जब वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आ जाता है। अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, अगर ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स ऊपर की जगह राइट हैंड साइड से लग रही हो, उस केस में टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी 0, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम जब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये मतलब स्केलर प्रोडक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता था जब दोनों पैरेलल होते थे, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और ये 0 तब होता है जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है, इसी जिस तरह से हमने एक स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक फॉर्मूला है। अगर मैं ए और बी को क्रॉस करूँ, अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का साइन यूज करते हैं, लेकिन क्रॉस के लिए क्रॉस का साइन यूज करते हैं।
को मैं मल्टीप्लाई करूं, ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स साइन ऑफ थीटा. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस एंड क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा था, ये क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ऑफ थीटा हो जाएगा. इक्वेशन है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की, और ये वाली इक्वेशन जो है ये आपकी डॉट प्रोडक्ट की है या स्केलर प्रोडक्ट की. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस तो यहाँ पर अगर आप देखें इसी तरह से, अगर ये फोर्स किसी एंगल पर लग रही होती, मतलब यहाँ से लग रही होती, यहाँ से लग रही होती, तो वो एंगल आप मेजर कर लेते. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर यही फोर्स आपकी यहाँ से लग रही है, ये एंगल आप मेजर कर लेंगे. ठीक है, और फिर एफ और एक्स, तो एफ एक्स साइन थीटा आप लगा लेंगे तो उससे आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब इसके बाद अगर आपके पास ये तो था न्यूमेरिकल फॉर्म में. अच्छा, एंड टॉर्क प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ये जो नंबर आपके पास आ जाता है इनको सॉल्व करने के बाद, अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई नंबर आ गया, लेट्स से 50 आ गया, 50 का मतलब क्या है, 50 का मतलब ये है कि आपके पास ये जो दो वेक्टर्स है ना, इन्हीं से अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाए, मतलब ये बी को ही उठाकर आप यहाँ रखें, वेक्टर बी दूसरा, इसी ए को उठाकर आप यहाँ रखें, आपके पास एक पैरेललोग्राम आ गया. अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो उसका जो ये नंबर आएगा, ये नंबर आपको एरिया रिप्रेजेंट करेगा इस पैरेललोग्राम का. ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन बिटवीन द टू वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स एरिया बिटवीन द टू वेक्टर्स या एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू वेक्टर्स. ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. अब ये तो हो गया आपके क्रॉस प्रोडक्ट की मीनिंग हो गई, केस नंबर का मतलब क्या है, और ये ही क्रॉस प्रोडक्ट आपके किसी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल भी हो सकता है. अगर हम इन दो वेक्टर्स को फोर्स कह दें, दूसरे वाले वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कह दें, तो ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फिर उस केस में ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा टॉर्क को. ठीक है, अब ये कुछ एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं कि ये एरिया क्या चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से क्या रिजल्टेंट जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, तो टॉर्क वगैरह के इक्वल होगा. अब आपके पास आप वेक्टर्स की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे. डॉट प्रोडक्ट तो काफी इजी था, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्रिकी होगा. ठीक है, लेट्स सी, 2i plus 3j plus 4k, ये आपका वेक्टर a है, मतलब वेक्टर f है, वेक्टर x है 2i plus j plus k. ठीक है, इनका अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, तो पहली बात तो ये है कि आप इनको एक साथ मतलब वेक्टर की फॉर्म में आपने लिख, सो बेसिकली इसमें ये करना होगा कि आपने दो बार्स बनाने हैं. ठीक है, इन दो बार्स के ऊपर आपने लिखना है i, j, k. ठीक है, और इनको इक्वेट कर देना है, ये ब्रैकेट बनाना है, फिर i, फिर माइनस लिखना है, फिर जे, फिर प्लस करके के लिखना है आपने. अब इन ब्रैकेट्स को आपने फिल करना है. ब्रैकेट्स को फिल करने से पहले आप ये नंबर उठाएं और यहाँ लिख लें, 2i है ना, तो 2 को i के नीचे लिख लें, 3j है तो 3 को j के नीचे लिख लें, 4k है तो 4 को नीचे लिख लें. ठीक है, ये पहला वेक्टर हो गया. आप दूसरे वेक्टर को उठा के यही काम करें, 2 1 1. ठीक है, आपने ये कर दिया. अब बारी, आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, इन बार्स के बीच में आपने लिख लिया. अब आपको इनको कन्वर्ट करना है इस वेक्टर की फॉर्म में. तो अब ये कैसे करेंगे, सो बेसिकली इसमें करने के लिए आई की वैल्यू अगर आपने निकालनी है ना, तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली आई के इस नंबर को छुपा लेंगे. ओके, यू विल नॉट लुक एट इट. ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे, ये आई का नंबर निकालने के लिए इसको इग्नोर कर देंगे. और इग्नोर करने के बाद जे और के का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे. डिटर्मिनेंट आई होप आप लोगों को पता हो कि क्या होता है. बेसिकली आप 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे
और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे. 3 टाइम्स 1 माइनस 4 टाइम्स 1 रिजल्ट आ जाएगा माइनस 1. तो i के साथ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस 1. आपने i की वैल्यू निकाल ली. अब i की वैल्यू निकालने के बाद आपने j की वैल्यू निकालनी है. ये रेज आउट कर लेता हूँ. अच्छा, j की वैल्यू निकालने के लिए वही काम करेंगे. अब j को इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, ठीक है. j को आप अज्यूम करें कि j है ही नहीं, कि ये इग्नोर कर दें इसे. अब i और k का डिटरमिनेंट निकालें. सो 2 टाइम्स 1 जो कि 2 है माइनस 4 टाइम्स 2 जो कि 8 है. क्या आंसर आ गया? माइनस 6. अब k के लिए भी यही करेंगे, k को इग्नोर करें और i और j का डिटरमिनेंट निकाल लें. So 2 times 1 minus 2 are 6. So 2 minus 6 जो कि minus 4 आ जाएगा. तो यहाँ पर आपने minus 4 लिखने में, ठीक है. अब ये लिखने के बाद ये जो आपका रिजल्ट आया ना, यही आपका वेक्टर प्रोडक्ट है बेसिकली. बट आप इसको लिखेंगे कैसे? ये माइनस आई है, ठीक है, क्योंकि माइनस 1 लिखते नहीं है. माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है. रिमेंबर दिस, यहाँ पर आपने माइनस लिखना है, ठीक है, या बाहर माइनस है. This is the only minus sign in this equation, जो कि आपने पहले से लिखना होगा. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6j, और ये प्लस माइनस माइनस 4k. ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट आ गया उन दो वेक्टर्स का, ठीक है. ये आप, ये वेक्टर जो है ना, ये टॉर्क का वेक्टर. This is a vector of torque. और अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, कोई मसला ही नहीं है. माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है. अगर स्क्वायर रूट में आ रहा है तो स्क्वायर रूट में छोड़ दें, अगर ऑप्शंस गिवन है. अगर नहीं आ रहा तो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर निकाल लेंगे. सो बेसिकली इसमें 36 स्क्वायर को अगर आप 4 स्क्वायर मतलब 16 के साथ और 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये आपका 53 आ रहा है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसके करीब करीब 49 होता है. मतलब 7.4 के अराउंड आपका आंसर आएगा, ठीक है. 7.4 क्यों कह रहा हूँ मैं इसे? क्योंकि 49 और 53 में डिफरेंस का कितना है? 4 का डिफरेंस है, राइट. तो डेसिमल के बाद हम वही नंबर लिख लेते हैं जिसका डिफरेंस होता है. 7.4 इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा, ओके. सो ये क्रॉस प्रोडक्ट का था कि आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है. और अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली, तो आप ए बी साइन ऑफ थीटा लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है. ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच.